Good morning, Unstoppables. Welcome all of you again in Daily MCQ series of 25th of August. And this particular series is related to industrial relations questions. So let's get started here. These are some benefits of this Daily MCQ series. So you can read it from here. First question, find out the machinery which is not method of settlement of industrial dispute. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने वाली यहाँ से कौन सी जो है वो मशीनरी नहीं है. कंसल्टेशन, वर्क कमेटी, कंसिलेशन, एडजुडिकेशन. सो द आंसर इज कंसिलिएशन. कंसल्टेशन इज नॉट द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है, इट्स अ मतलब मशीनरी नहीं है ये. वर्क कमेटी, कंसिलेशन एंड एडजुडिकेशन, ऑल दीज आर दी मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के. यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, बाकी इनको हम अलग से करेंगे अभी तो. ठीक है, सबसे पहले डब्ल्यू से वर्क कमेटी, सी से कंसिलेशन ऑफिसर, सी से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, फिर सी से कंसिलेशन बोर्ड, एल से आपके पास लेबर ट्राइब्यूनल, आई से इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, एन से नेशनल ट्राइब्यूनल. ऑल दीज थ्रीज आर एडजुडिकेटरी. ठीक है, तो एडजुडिकेशन यहाँ से आ जाएगा. कंसिलेशन में आपका ये वाला आ जाएंगे, कंसिलेशन बोर्ड और कंसिलेशन ऑफिसर. ठीक है, और जी से आपके पास ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी या ग्रीवियंस रिट्रेसल कमेटी जो बन चुकी है हमारी. एंड ए से आपके पास आर्बिट्रेशन और डब्ल्यू से वर्क कमेटी. सो ऑल दीज थीज आर दी मशीनरीज ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग. पहली बार, द फर्स्ट टाइम द पर्सन हु हैड इंट्रोड्यूस द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग, उनका नाम है सिडनी एंड बिट्रिस वेब. सिडनी एंड बिट्रिस वेब ने 1891 में इस टर्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. एंड सेकेंड थिंग, सैमुअल गॉम्पर जो कि प्रेजिडेंट थे आपके पास किसके, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के, उन्होंने बोला था, दे सेड कि अपना कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये पेपर में आता है, दैट शुड बी रिमाइंडेड, आपको याद रहना चाहिए. क्लियर, तो यहाँ से आपको इतना काफ़ी है. थर्ड क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेशन ऑफिसर एंड एडजुडिकेशन अथॉरिटीज. इनमें से कौन से एक्ट के अंदर जो है वो कंसिलेशन ऑफिसर और एडजुडिकेशन के बारे में को अपॉइंटमेंट के एक्ट के प्रोविजंस हैं. तो आंसर इज इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, जो मैंने पीछे आपको बताए थे, जितना भी है ना, वर्क कमेटी से लेके अपना आर्बिट्रेशन तक, वो सारे किसके अंदर आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आते हैं. क्लियर, ओके. फोर्थ क्वेश्चन, द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑन विच ILO स्टैंडर्ड्स लाई आर. जो बेसिक पॉस्टुलेट्स क्या है, इनको हम बेसिक प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये मैंने ILO की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं. बेसिक चार बेसिक प्रिंसिपल्स है ILO के, उनको फिर बाद में मॉडिफाई करके फिलाडेल्फिया चार्टर के नाम से बता दिया गया था. ठीक है, तो ये बहुत सही तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए हैं अलग से. तो इसका आंसर वुड बी लेबर इज नॉट अ कम्युनिटी. यस, बेसिक प्रिंसिपल है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर इसेंशियल होने चाहिए सस्टेन प्रोग्रेस के लिए, ये भी उसका बेसिक प्रिंसिपल है. पावर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एनीवेयर. पावर्टी कहीं भी होगी वो हर जगह प्रॉस्पेरिटी को डेंजर, मतलब हर जगह प्रॉस्पेरिटी को डेंजर में रखेगी. तो ये भी इसका सही है, ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज डेल्टा. मॉडल ग्रीवेंसेस प्रोसीजर इज गिवन इन दी. मॉडल ग्रीवेंसेस प्रोसीजर जो है वो कहाँ दिया गया है. देखो, मॉडल ग्रीवेंसेस प्रोसीजर दिया है आपका कोड ऑफ डिसिप्लिन में. कोड ऑफ डिसिप्लिन बना था आपके पास 1957 में, और ILO इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने इसको 1958 में अडॉप्ट किया था. ठीक है, और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं, थ्रू मतलब अपना ये जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन मॉडल ग्रीवेंसेस प्रोसीजर बनाया था. ठीक है, ताकि जो आपके पास म्यूचुअल सेटलमेंट हो सके, जो भी आपके पास डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए. ठीक है, सो इसको बनाया गया था कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर. बाकी ये क्या होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. वेरी सून यू विल गेट एन सरप्राइज, सो लेट्स सी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिफाइड ILO कन्वेंशन नंबर 144 ऑन ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन अमंग गवर्नमेंट, एम्प्लायर एंड वर्कर्स. इंडिया ने जो है वो ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन के लिए कन्वेंशन नंबर 144 को रेटिफाई किया था. तो बुक कब, कौन सी ईयर में किया था. आंसर इज 1958. ठीक है, 1958 नहीं, आंसर इज 1978, सॉरी. ठीक है, 1977 में कन्वेंशन नंबर 144 को इंडिया ने क्या किया था, रेटिफाई किया था. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंडामेंटल कन्वेंशन है वो कितनी है, टोटल 8, और 8 में से इंडिया ने 6 को रेटिफाई कर दिया है. 2017 में 13 जून 2017 में दो कन्वेंशन और, पहले 4 रेटिफाई की थी, फिर बाद में 2017 में रेटिफाई की है, जिनमें से एक मिनिमम वेज कन्वेंशन है और एक आपके पास वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. ठीक है, एक 132 और 182 कन्वेंशन. ठीक है, इनको रेटिफाई किया हुआ है. तो यहाँ पे आप मेरी जो ILO कन्वेंशन वाली वीडियो है वहाँ पे जाके ये सारा देख सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर वॉज सेटअप इन 1951. ये सही बात है, विद द इनिशिएटिव ऑफ. द आंसर इज GL नंदा. GL नंदा
के इनिशिएटिव से जो है वो ज्वाइंट कंसल्टेटिव बोर्ड बनाया गया था, ठीक है, जिसमें कि बोला गया कि जो अपना मैनेजमेंट है और साथ में जो लेबर है वो अपना जो है डिसीजन खुद ले सके, ठीक है, खुद अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ये डिसीजन बनाया गया था, ये बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री टायर फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सभा प्रपोज्ड बाय, थ्री टायर फ्रेमवर्क आपके पास कोचर ने दिया था और उसके साथियों ने मिलकर जो आपका डनलॉप मॉडल था, ठीक है, डनलॉप मॉडल जो था उसको मॉडिफाई किया था, इन्होंने कोचर ने, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने थ्री टायर फ्रेमवर्क दिया था, ठीक है। तीन टायर कौन कौन से हैं इसमें, एक टॉप टायर, एक आपके पास मिडिल टायर और एक आपके पास बॉटम टायर, ठीक है। तो ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, नोट इट टू बी वेरी। और एक और चीज़, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि टॉप टायर में आपके पास जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो आते हैं, जिस जहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। मिडिल लेवल पे आपके पास बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जाती है, ठीक है जी, और लास्ट लेवल पे सबॉर्डिनेशन और वगैरह वगैरह किया जाता है बाकी, ठीक है, टेक्निकल जो वर्क है। तो ये तीनों उन्होंने बनाए थे, ये तीन टायर जो इन्होंने बनाए थे, और उन्होंने ही कहा था, चलो आगे आएगा क्वेश्चन वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बस अभी तक आप कितना याद रखो। अच्छा, अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर सोशल एंड लेबर इशूज आर डिस्कस्ड बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट एट एंटरप्राइज लेवल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाईपार्टिज्म। मैंने इसको आप एक से बहुत एक बड़ी एग्जांपल वर्क कमेटी, वर्क कमेटी क्या है, बाईपार्टाइज बॉडी है, बाई मतलब दो और पार्टीज मतलब पार्टीज़ मतलब पार्टीज, ठीक है, जहाँ पे दो पार्टीज जो है वो सोशल और लेबर इश्यूज के को लेकर डिस्कशंस करते हैं उनको बोलते हैं बाईपार्टिज्म। तो यहाँ पे एक पार्टी हो गई ट्रेड यूनियन और सेकंड पार्टी मैनेजमेंट, ठीक है, एंटरप्राइज लेवल पे। मैंने कहा था कि वर्क कमेटी जो है वो प्लांट लेवल और इंडस्ट्री लेवल पे जो है वो वर्क करती है, जिसमें कि दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई, ठीक है, और इसको 45 डेज के अंदर अपना डिसीजन लेना होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम सिक्स या सिक्स से कम, और इसमें एक जो है वुमेन का होना जरूरी है। तो ये हर चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस अमंग थ्री प्रिंसिपल सोशल पार्टनर एट थ्री लेवल। तो ये किसने कहा था, ये भी इन्होंने ही कहा था, उन्होंने ही कहा था कि तीनों लेवल पे, तीनों लेवल टॉप लेवल मिडिल लेवल और बॉटम लेवल पे, ठीक है, जो सोशल पार्टनर्स हैं आपके अमंग थ्री सोशल पार्टनर्स के बीच में जो है वो एक्टिविटीज का जो है ये डिस्कशंस होता है। तो वो तीन पार्टनर कौन कौन से थे, वही आ जाएंगे, एम्प्लायर, एम्प्लॉई और जो आपके पास गवर्नमेंट है, ये, ठीक है। तो ये इन्होंने ही कहा था। सो बाकी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, अ कंप्लीट वीडियो। तो सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड शेयर करो जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, और बी अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच गाइज़।